हेलो दोस्तों, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ टीजीटी मैथमेटिक्स 2016 पेपर के एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ में। फिर से आपको बता दूं, 2016 बैच के थ्रू ही मेरी गाजियाबाद में ज्वाइनिंग हुई है। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा एक्सप्लेन करने का मेथड समझ में आ रहा है या अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे को इंस्पिरेशन मिल सके कि मैं इस तरीके की वीडियोस आपके लिए बना सकूं। चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। तो सबसे पहले ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट, यहां हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को डील करते हैं। पहले तो ये हो जाएगा, पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट इसके साथ और इसके साथ, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये हो जाएगा माइनस का वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर सी, ये हो जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट, तो ये हो गया हमारा बी क्रॉस सी माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए, ये हो गया हमारा जीरो, क्योंकि किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट यदि खुद अपने आप से किया जाए तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। तो ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। अब हम क्या करेंगे, इस डॉट प्रोडक्ट को इसके साथ ऑपरेट करेंगे। मैं आपको बता दूं, यदि किसी एक वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा a डॉट b क्रॉस c, ये हो जाएगा हमारा माइनस a डॉट b क्रॉस a, ये हो जाएगा हमारा a डॉट c क्रॉस a, ये हो जाएगा हमारा माइनस का b डॉट b क्रॉस c, ये हो जाएगा हमारा प्लस का b डॉट b क्रॉस a, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का b डॉट c क्रॉस a। ठीक है, अब आपको एक और बात बता दूं कि भाई स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a डॉट b क्रॉस c को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं a b c। यदि कहीं हो b डॉट c क्रॉस a तो इसको हम लिख सकते हैं b सी ए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट असल में क्या होता है, यदि हम कहें तो ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री का डिटर्मिनेंट। और मैं आपको बता दूं, यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई दो वेक्टर सेम हो, जैसे कि ए डॉट बी क्रॉस ए, तो सेम डिटरमिनेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम यहां से दो चीजें याद रखेंगे, एक तो ये याद रखेंगे हम कि b डॉट c क्रॉस a को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और यदि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर की रिपीटेशन हो रही है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको आगे। तो ये हो जाएगा हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में a b c। ये देखिए, दो वेक्टर सेम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इसके अंदर भी दो वेक्टर सेम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इसके अंदर भी दो वेक्टर सेम है तो जीरो। इसके अंदर भी दो वेक्टर सेम है तो ये हो जाएगा हमारा जीरो, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का बी सी ए। आपको मैं एक बात और बता दूं कि भाई सेम साइकिल में होने की वजह से ए बी सी की वैल्यू इक्वल होती है बी सी ए की वैल्यू के, और ये वैल्यू इक्वल होती है सी ए बी के।
तो यहां से हम इस क्वेश्चन को कहेंगे, इसे भी मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एबीसी। इसको भी मैं कह सकती हूं बीसीए को भी क्या कह सकती हूं एबीसी। तो ये हो जाएगा मेरा जीरो। तो इस तरीके से आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इस टाइप के सॉल्यूशन के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर।